बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र हज का खर्च। सादिक जलाली मरोमसी साहब मक्का गए हुए थे। वो वापस आए तो मैं अपनी बीवी के साथ उनसे मिलने गया। उस जमाने में वो तलाब की गली में रहते थे। कमरे में दाखिल होने से पहले राहदारी में मेरी नज़र एक कार्टून पर पड़ी जिस पर टीवी छपा हुआ था। सलाम दुआ के बाद हज की बात निकली। मैंने पूछा, सफ़र कैसा रहा, वहाँ से तोहफे में क्या लाए? मैं टीवी के बारे में पूछने ही वाला था कि उन्होंने खुद ही कहा, सिर्फ एक टीवी लाया हूँ, मुबारक हो और सालों साल चले। मैंने कहा, मैं इसे अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं लाया हूँ, माने खेत मुस्कराहट के साथ उन्होंने कहा। तो फिर खरीदा क्यों? मैंने पूछा। बेचने के लिए लाया हूँ और मैं समझता हूँ कि आप अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन क्यों? मैंने ताज्जुब से पूछा। इस सफ़र के लिए सिपाही पासदारान ने कुल 16,000 तोमान खर्च किया है। अब इस टीवी को इसी कीमत पर बेच कर यह रकम सिपाह को देना चाहता हूँ ताकि खुदा न खास्ता बैतुल माल का मकरूज न रहूँ, उन्होंने जवाब दिया। एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गए, फिर कुछ सोच कर बोले, मुझे ये भी नहीं मालूम कि बाजार में उस टीवी की कीमत क्या है। मैं पथोपेश में था कि क्या जवाब दूँ। कुछ देर सोचने समझने के बाद मैंने कहा, इसे चला कर देखा है या नहीं? बिल्कुल ठीक है, मुझे ये टीवी चाहिए, लेकिन अगर मार्केट में इसकी कीमत इससे ज़्यादा हुई तो? अगर कीमत ज़्यादा हुई तो वो तुम्हारे लिए हलाल है, और अगर इससे कम हुई तो फिर मुझसे राज़ी हो जाना। मैंने वो टीवी खरीद ली उसी 16,000 तोमान में। उन्होंने वो रकम सिपाह के हवाले कर दी। उस वाकये को सालों बीत चुके थे, लेकिन अब भी मेरी बीवी कभी कभी उस वाकये को याद करती है और बैतुल माल के सिलसिले में शहीद ब्रोंसी के एहतियात के बारे में बताती है। एक बार हम दोनों एक साथ छुट्टी पर आए, मैं अपने घर चला गया और वो अपने कामों में लग गए। अभी सफ़र की थकन भी दूर नहीं हुई थी कि वो मेरे घर आए और मुझसे बोले, बस बहुत आराम कर चुके, खैरियत तो है, कहीं जाना है क्या? मैंने पूछा। जी हाँ, मैं तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, मुस्करा कर उन्होंने जवाब दिया। मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर उन्होंने फिर कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे लगा कि ये तो वाकई कहीं जाना चाहते हैं। मुझे कल 4 दिन की छुट्टी मिली है और इसमें भी आप आराम नहीं करने देंगे, मैंने मजाक में कहा। वो उठे और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी उठाया और हंसते हुए बोले, ये बातें छोड़ो, जल्दी करो, देर हो रही है। मैं जल्दी से तैयार हुआ और हम दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में कई दुकानों पर गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी और हर एक को पैक करवाते रहे। आखिरी बार जब हम गाड़ी में बैठे तो मैंने पूछा, आखिर जाना कहाँ है? शहीदों की मुलाकात के लिए जा रहे हैं, उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। शहीदों की मुलाकात? मैंने ताज्जुब से पूछा। शहीदों के घर वालों को देखने जा रहे हैं, उनसे शहीदों की खुशबू आती है। तुम तो जानते हो शहीद की रूह हमेशा अपने घर वालों की तरफ मुतवज्जे रहती है, यानी हम हकीकत में शहीदों को देखने जा रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया। हमारी बटालियन से कई लोग शहीद हो चुके थे। एक रोज़ वो एक एक शहीद के घर पर गए और हर जगह उन्होंने शहीद के किसी करीबी रिश्तेदार को एक तोहफा दिया। शाम हो चुकी थी लेकिन हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अजान मगरिब के वक्त हम मशहद के जनूबी इलाके के एक मोहल्ले में थे। हम मोहल्ले की मस्जिद में गए, नमाज जमात से अदा की। नमाज और ताकीबात के बाद में चलने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक अब्दुल हुसैन ने कहा, तवक्कल अल्लाह, ये कहकर वो उठे और पेशे इमाम के पास पहुँचे। कुछ देर उनके पास बैठे रहे। उन्होंने एक दूसरे से क्या कहा और क्या सुना ये नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा कि वो खड़े हुए। पेशे इमाम ने उनके इस्तकबाल किया और दोनों साथ ही माइक तक आए। पेशे इमाम साहब ने लोगों को मुखातिब किया और कुछ तमहीद के बाद कहा, हमारी खुशनसीबी है कि मैदान जंग के एक बहादुर कमांडर आज हमारे दरमियान हैं, ब्रोंसी साहब, जिनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। लोगों में चहमगोइयाँ होने लगीं और फिर सलवात भेजी गई। अब्दुल हुसैन इत्मीनान से खड़े हुए थे। पेशे इमाम ने अपनी बात आगे बढ़ाई, हम आपके बयानात से मुस्तफीद होंगे। अब्दुल हुसैन माइक पर आए और कुछ तमहीद के बाद बात को जंग की तरफ मोड़ा और महाज जंग की बातें करने लगे कि मैदान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वो पुरजोश अंदाज में बोल रहे थे। मुझे वो लम्हा याद आ गया जब दुश्मन पर हमला करने से पहले वो सिपाहियों के लिए तकरीर करते थे। जब मैं होश में आया तो देखा पूरी मस्जिद में हिचान पैदा हो गया है।
और लोग मुनकलीब हो गए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीर के बाद बहुत से लोग, खासकर जवानों ने वहीं पर जंग पर जाने के लिए नाम लिखवाना शुरू कर दिए। देर रात को घर लौटते हुए मैंने पूछा, ब्रोंसी साहब, आप इस तरह के कामों के लिए सिपाही से एक गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? मैं चाहता हूँ तुम्हें भी कुछ सवाब मिल जाए। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, कम अज कम इन तोहफों के रुपये तो सिपाही से लिए जा सकते हैं। मैंने कहा, उन कामों की अहमियत इसी में है कि इंसान अपनी जेब से खर्च करे। उन्होंने जवाब दिया, जब वो ये बातें कर रहे थे तो मैं उनकी मुख्तसर तनख्वाह और उनकी फैमिली के बारे में सोच रहा था। बैतुल माल की शम्मा। सैयद काजिम हुसैनी अब्दुल हुसैन ब्रिगेड के कमांडर बने तो ज़बरदस्ती एक गाड़ी उनके हवाले की गई। एक ड्राइवर भी मिलने वाला था लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। आपके पास लाइसेंस नहीं है लिहाजा ड्राइवर का होना ज़रूरी है। मैंने कहा, जंगी इलाके में बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना खिलाफ शरा नहीं है, लिहाजा मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। उन्होंने जवाब दिया, शहर में क्या करेंगे? मैंने पूछा, शहर में चूंकि बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना मना है इसलिए ड्राइवर साथ ले जाऊंगा। कुछ देर सोचकर उन्होंने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद जब मैं मशहद में था तो एक दिन वो मेरे पास आए और बोले, मेरे लाइसेंस का कुछ इंतजाम करो, आपके पास तो ड्राइवर है, आपको लाइसेंस की क्या ज़रूरत है? मैंने हंसकर कहा, सारी परेशानी इसी बात की है कि एक ड्राइवर मेरे लिए फंसा हुआ है जबकि वो बैतुल माल से तनख्वाह लेता है। उन्होंने जवाब दिया, ये तो ब्रिगेड के कमांडर का हक है। बात टालने की गरज से मैंने कहा, मजाक मत करो सैयद, ये गाड़ी ही मेरे लिए बहुत है, ये गाड़ी ही मेरे लिए बहुत है, मुझे डर है कि कयामत के दिन इसका हिसाब ना दे सकूं। उन्होंने जवाब दिया, आप कितने दिन की छुट्टी पर आए हुए हैं? 7-8 दिन की। बहुत मुश्किल काम है लेकिन अल्लाह का नाम लेकर कुछ करते हैं। मैंने कुछ सोचकर कहा, हम RTO गए, कुछ अच्छे अफसरों ने मदद की और लाइसेंस बन गया लेकिन उसमें भी 1 हफ्ता लग गया। जब वो वापस मैदान जंग पर जाने लगे तो मुझसे मिलने आए और लाइसेंस बनवाने की बाबत शुक्रिया अदा करते हुए बोले, अल्लाह आपको जजाए खैर दे, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही एहतियात करते हैं। मैंने कहा, उन्होंने मुस्कुराते हुए एक वाक्य बयान किया, हज़रत अली सलाम की खिलाफत के ज़माने में जब तलहा और ज़ुबैर हुकूमत हासिल करने की गरज से आपके पास आए तो आपने बैतुल माल की शम्मा बुझा दी और ज़ाती शम्मा रोशन कर दी। जब वो ये बातें बयान कर रहे थे तो उनका लहजा बदला हुआ था। उन्होंने रोते हुए कहा, अल्लाह ताला कयामत के रोज जब इंसान की मेहनत की कमाई और हलाल रिज़्क के बारे में सवाल करेगा तो अगर बैतुल माल का पैसा खर्च किया तो क्या होगा? वॉशिंग मशीन। सैयद काजिम हुसैनी। मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मशहद आ गया था लेकिन ब्रोंसी साहब मैदान जंग पर थे। एक दिन सुबह में सिपाही पासदारान के दफ्तर गया। सिपाह के एक आला अफसर ने कहा, हर कमांडर को हमने कुछ ना कुछ तोहफे में दिया है, ब्रोंसी साहब के हिस्से में भी एक वॉशिंग मशीन आई है। वो तो इस वक्त है नहीं, तो क्या आप ये तोहफा उनके घर तक पहुंचाने की जहमत गवारा करेंगे? मैं जानता था कि हाजी अगर होते तो किसी भी तरह उसे कबूल ना करते। मैंने सोचा कि ब्रोंसी साहब के घर तक सामान पहुंचाने के लिए ये अच्छा मौका है, इसी तरह जब उन्हें पता चलेगा तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे, इसीलिए मैंने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। फिर मैंने वॉशिंग मशीन एक गाड़ी पर लाद कर उनके घर पहुंचा दी। मैं कभी उनका वो गुस्सा नहीं भूल सकता। वॉशिंग मशीन की बात जब उन्हें मालूम हुई और ये पता चला कि ये सब मेरे कारनामे हैं तो वो सीधे मेरे पास आए। मैंने कभी उनको इतने गुस्से में नहीं देखा था। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तुम किसकी इजाज़त से वो मशीन मेरे घर ले गए? मुझे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद न थी, ऊपर से ये हुक्म था। मैंने घबरा कर कहा, अज़र बतरस गुनाह। वो और ज़्यादा नाराज़ होते हुए बोले, कुछ देर ठहर कर वो बोले, इसी वक्त मेरे घर जाओ और उस तोहफे को वहीं छोड़ कर आओ जहाँ से लेकर आए थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं संभल गया, अरे भाई ये तुम्हारा हक था जो तुम्हें मिला है, मैंने वजाहत की। उन्होंने आह भरते हुए कहा, तुम मेरे अजर को ज़ाय करना चाहते हो, हम किसी दूसरे मकसद के लिए जंग कर रहे हैं, हम अपने दीन व शरई फरीजी पर अमल कर रहे हैं, यानी वॉशिंग मशीन वगैरह मुमकिन है हमें अपने रास्ते से हटा दे। मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये तनख्वाह जो मुझे मिलती है मैं उसका मुस्तहिक भी हूँ या नहीं। मैं जब छुट्टी पर आता हूँ तो मेहनत मजदूरी करता हूँ ताकि बीवी बच्चों का खर्च पूरा कर सकूँ
और तुम इस तरह के काम करते हो। आखिरकार वो नहीं माने और बहुत मजबूती से बोले, वो मशीन तुम लाए हो और तुम्हें उसे वापस ले जाओगे। वो भी सीख पर घर आया। मैंने कहा, वो मशीन आपके बीवी बच्चों का हक है और उसे घर में होना चाहिए, आप उसे हाथ नहीं लगाएंगे, आओ इसे ले जाओ। उन्होंने जाते वक्त खुदा हाफजी करते हुए कहा। मैं उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। मैंने अपने दिल में सोचा इसके बाद मैं उनके घर नहीं गया। अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे। उन्होंने अपनी बेबी से कह दिया था मशीन को कार्टून से बाहर ना निकालना। उनकी शहादत तक वो मशीन उसी तरह पड़ी हुई थी। और फिर उनकी शहादत के बाद दिनों बाद मैं एक अच्छी सी वॉशिंग मशीन खरीद कर उनके बीवी बच्चों के लिए ले गया। मेरी फैमिली का हिस्सा मासूमा सबको खैर। एक रोज वो अपनी दो साथियों के साथ घर पर थे। घर छोटा और गर्म था और हमारे पूरे बदन से पसीना निकल रहा था। मैं बावर्ची खाने में गई और जग में ठंडा पानी लेकर उनके पास आई। अब्दुल हुसैन के एक साथी ने कहा, माफ कीजिएगा ब्रौंती साहब। अब्दुल हुसैन ने उसकी तरफ रुख किया। उसने कहा, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। वो कूलर जो आपने उस बंदे खुदा को दिया वो आपके घर के लिए ज्यादा जरूरी था। ये ठीक कह रहे हैं, आपके बच्चे ज्यादा गर्मी में हैं, दूसरे ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने अपने दिल में सोचा, तो मेरे शौहर कूलर बांटते फिर रहे हैं। मैं अब्दुल हुसैन का जवाब सुनना चाहती थी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हम सच कह रहे हैं। उनके साथी ने कहा, अरे औरतों के सामने मजाक मत करो। अब मेरी बीवी ये सोचेगी कि दुनिया के तमाम कूलर मेरी इजाजत से बांटे जाते हैं। उन्होंने फिर हंसकर कहा, शायद वो लोग समझ गए थे कि अब्दुल हुसैन इस सिलसिले में बात नहीं करना चाहते। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। मैंने भी कूलर का ख्याल जहन से निकाल दिया। मैं जानती थी वो ऐसा काम नहीं करते जिसे नहीं करना चाहिए। आपकी शहादत के बाद उनके इसी साथी ने बताया, उस दिन जब आप कमरे से बाहर चली गई तो ब्रौंती साहब ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि शहीद की माँ जिसने अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर दिया है, या वो फैमिली जिसका कोई आदमी शहीद हो गया है गर्मी में रहे और मेरे बच्चे कूलर में। ये कूलर शहीद की माँ का हिस्सा है, मेरे घर वाले गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। उसके अलावा मेरे घर वालों ने इस इनकलाब के लिए कुछ नहीं किया है, जो बैतुल माल का कूलर ले। एहतियात मासूमा सब खैर। शहादत के कुछ दिनों पहले से हमेशा सिपाही पासदारान की एक गाड़ी उनके पास रहती थी। एक बार वो अपनी माँ से मिलने गांव गए, वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी शहादत के बाद उनके चचा की बहू फातिहा की मजलिस में बहुत रो रही थी। उसकी हालत गैर तबीयत थी। मुझे लगा कि उसे अब्दुल हुसैन की कोई बात याद आ रही है। वहाँ तो मैं कुछ नहीं पूछ सकी, लेकिन बाद में जब हम घर आए और उसकी हालत भी कुछ ठीक हो गई तो मैंने पूछा, क्या बात है, उस दिन तुम बहुत रो रही थी। उसकी आँखें फिर पूर्णम हो गईं। उसने एक वाकया बयान किया उस जमाने का, जब अब्दुल हुसैन अकेले गाँव गए थे। पहले उसने पूछा, तुम तो जानती हो कि मेरा एक बेटा मशहद में पढ़ता है। मैंने इस बात में सर हिलाया। फिर उसने कहा, जब मुझे पता चला कि अब्दुल हुसैन गांव आए हुए हैं तो मैंने जल्दी से कुछ रोटियां, गोश्त, दही और दूसरी देसी चीज़ें यकजा करके एक गठरी बनाई और लेकर उनके पास आई। मैंने इत्मीनान के लिए पूछा, आप मशहद वापस जाएंगे ना? मैं उसी वक्त मशहद लौट रहा हूँ, कोई काम है? उन्होंने जवाब दिया, अगर जहमत ना हो तो ये सामान मेरे बेटे के लिए लेते जाइए। मैंने गठरी के तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ देर वो खामोश रहे, फिर सर उठाकर गांव के गैरेज की तरफ इशारा करते हुए बोले, अभी एक बस मशहद के लिए रवाना हो रही है, ये सामान ड्राइवर के हवाले करो, वो पहुंचा देगा। मैं दम बखुद रह गई। मुझे हर चीज़ की तवक्के थी सिवाय इसके। फिर उन्होंने कहा, इसका किराया भी मैं अदा कर दूंगा और मशहद पहुँच कर तुम्हारे बेटे को खबर कर दूंगा कि आकर अपना सामान ले ले, लेकिन आपके पास तो गाड़ी मौजूद है भाई। मैंने ताज्जुब से कहा, ये गाड़ी बैतुल माल की है। उन्होंने बहुत संजीदगी से जवाब दिया, तो क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे इस गाड़ी के साथ सिर्फ गाँव में माँ से मुलाकात के लिए आने की इजाज़त है, इससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने जवाब दिया। मैंने इस बात को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी।
वो भी शायद समझ गए, इसीलिए बोले अगर मैं इस गाड़ी से तुम्हारे बेटे के लिए सामान लेकर जाऊंगा तो कयामत के दिन मुझे हिसाब देना होगा। ये बातें उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रही थी, मुझे अपनी बात के ठुकरा दिए जाने का गम था। मैंने नाराज होते हुए कहा, कम अज कम अपने लिए तो लेते जाइए, अपने लिए भी ये सामान मैं बस ही से भेजूंगा, या फिर अगली बार जब अपनी गाड़ी से आऊंगा तो ले जाऊंगा। उन्होंने जवाब दिया। इतना कहकर वो फिर रोने लगी। उसने कहा, अगर मैं उसी वक्त समझ जाती कि ब्रोंजी साहब क्या कह रहे हैं तो उनके कदमों पर गिर जाती, लेकिन अफसोस इस तरह एक बार हमारे बेटे का हाथ टूट गया था, या शायद कोई और बीमारी थी, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि फौरन अस्पताल पहुंचना था। उस हालत में भी उन्होंने बैतुल माल की गाड़ी को जो हमारे घर के सामने खड़ी थी हाथ नहीं लगाया और टैक्सी से बच्चे को अस्पताल ले गए। खाली बाक्स मासूमा सबको खैर, आप छुट्टियों पर घर आए तो दरवाजा खोलते ही मेरी नजर दो बक्सों पर पड़ी जो उनके हाथ में थे, गोलियों के खाली बाक्स थे। सलाम दुआ के बाद मैंने पूछा, इन्हें किस लिए लाए हैं? बच्चे अपनी किताब कापियां इसी में रखेंगे, उन्होंने जवाब दिया। पड़ोस की औरतों ने गाड़ी से खाली बाक्स निकालते हुए उन्हें देख लिया था। बाद में उसने मुझसे कहा, लगता है ब्रोंसी साहब इस मरतबा कुछ लेकर आए हैं। मैं उसका मतलब नहीं समझता कि उसने मुनमुनाते हुए इशारतन कहा, बाक्स। ये सुनते ही मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने फौरन उसके जवाब में कहा, वो बाक्स खाली थे, हमसे छिपाने की क्या जरूरत है, हम कोई घर तो है नहीं, ब्रोंसी साहब कुछ तो लेकर आए थे। उसने कहा, मैं घर गई तो परेशानी के आलम में अब्दुल हुसैन से कहा, काश वो बाक्स पड़ोसियों को दिखा देते, जरूर फिर किसी ने हमारी बेगम से कुछ कहा है, उन्होंने हंसते हुए कहा। पड़ोस की एक औरत ने सोचा कि आप इन बक्सों में कुछ छिपा कर घर लाए हैं। मैंने और ज्यादा नाराज होते हुए कहा, ये सब सिर्फ बातें हैं, आपको इन बातों से नाराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, नाराज ना हूं, मैंने आवाज बुलंद की। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं फिर बोली, खुदा ना खास्ता अगर आप इस तरह के होते और ये बातें आप पर खरी उतरती तो मैं ज्यादा परेशान ना होती, लेकिन अब तो दिल चाहता है कि ये खाली बाक्स उसे दिखा दूं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने हंसकर कहा। मैं उनसे उसकी वजह दरियाफ्त करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसका मौका नहीं दिया और कहा, तुम्हें इससे कहना चाहिए कि ये रास्ता खुला हुआ है, मेरे शौहर मैदान जंग से ये बाक्स लाए हैं, आप भी जाइए और लेकर आइए। प्राइवेट कमरा, मासूमा सबको खैस, ब्रोंसी साहब, हब्दे शहर योर हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब भी मैं उनसे मिलने जाती तो दो लोग उनके पास होते थे। पहले तो मैंने सोचा ये लोग दूसरों की तरह उनसे मिलने आते हैं, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, ये दोनों तो हमेशा वहीं रहते हैं। एक बार मैंने ब्रोंसी साहब से पूछा, ये लोग कौन हैं? मेरे दोस्त हैं, ये हमेशा यहाँ क्यों रहते हैं? मेरे दोस्त हैं, इसीलिए हमेशा यहाँ रहते हैं। इतने इत्मीनान से वो बात कर रहे थे कि उनकी बात पर यकीन करना ही पड़ा, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी। दो दोस्त जो हमेशा साथ रहते हैं, पहले वो जनरल वार्ड में थे, एक दिन मैं उनसे मिलने गई तो वो वहाँ नहीं थे। मुझे तशवीश हुई, नर्स से उनके बारे में पूछा तो उसने ब्रोंसी साहब के कमरे का नंबर बताया। मैं वहाँ पहुंचे, उनके कमरे में सिर्फ एक बेड था, वही दोनों लोग उनके पास मौजूद थे। मुझे देखते ही वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। मैं उनके बेड के करीब खड़ी हो गई। उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के बाद मैंने पूछा, आपको प्राइवेट कमरे में क्यों मुंतकिल कर दिया गया? डॉक्टर ने शोरगुल को मेरी सेहत के लिए मुजिर करार दिया है, उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया। एक महीने तक आप अस्पताल में रहे, वो दोनों भी हमेशा आपके साथ ही रहे, और जब घर आए तब भी वो दोनों आपके साथ थे। अभी उनके जख्म पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि आपको मैदान जंग में तलब कर लिया गया और वो उन्हीं जख्मों के साथ महाजी जंग पर रवाना हो गए। आपकी शहादत के बाद वो दोनों मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा, हम ब्रोंसी साहब के बॉडी गार्ड थे। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बात मेरे गुमान में भी न थी, लेकिन आपने कभी कुछ बताया नहीं, मैंने कहा। ब्रोंसी साहब ने मना किया था, हमारे ही एतराज की वजह से उन्हें प्राइवेट कमरे में मुंतकिल किया गया था, उन्होंने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि मरहूम लोगों से मिलना जुलना चाहते थे, लेकिन हमने कहा यह खतरनाक है, और आखिरकार बहुत मन्नत समाजत के बाद उनको प्राइवेट कमरे में ले गए। नया जैकेट, मासूमा सबको खैस, उनके वालिद कभी कभी गांव से खैरियत लेने के लिए हमारे घर आते थे। एक बार अब्दुल हुसैन छुट्टियों पर घर आए हुए थे, इत्तेफाक से उनके वालिद भी आ गए।
अभी सफर की थकन उनके जिस्म से नहीं निकली थी कि अब्दुल हुसैन ने फिर मैदान जंग की बात छेड़ दी। वह हमेशा कहते थे, मैं अपने वालिद को मैदान जंग पर ले जाना चाहता हूँ ताकि वो वहीं शहीद हों। उस बार उन्होंने बहुत इसरार किया और आखिरकार अपने वालिद को इस बात के लिए आमादा कर लिया। सारा काम उन्होंने खुद करवाया और छुट्टी खत्म होते ही दोनों रवाना हो गए। 3-4 महीने बाद उनके वालिद वापस आ गए और सीधे हमारे पास पहुँचे। मैदान जंग के बारे में कहने के लिए उनके पास बहुत कुछ था। वो बोल रहे थे और हम सुन रहे थे। मैं अब्दुल हुसैन के अखलाक और बर्ताव के बारे में जानना चाहती थी। मैंने इस बारे में उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया, बेटी तुम नहीं जानती तुम्हारा शौहर कितना मोहतात है। कैसे? मैंने पूछा। जब हम मैदान जंग पर पहुंचे तो अब्दुल हुसैन ने एक नया जैकेट मुझे दिया। कल जब मैं घर आने लगा तो उसी जैकेट को दूसरे सिपाही को दे दिया। उन्होंने जवाब दिया, मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि महाज जंग पर जो लिबास फौजियों को दिया जाता था वो कुछ दिनों बाद उनका अपना हो जाता था। मुझे हैरत थी कि अब्दुल हुसैन ने वो जैकेट अपने बाबा को क्यों नहीं दी। कुछ दिन बाद अब्दुल हुसैन छुट्टियों पर घर आए। सलाम और दुआ के बाद मैंने कहा, आखिर जैकेट भी कोई ऐसी चीज है जिसे आप देकर वापस ले लेते हैं। पता नहीं बाबा ने तुमसे क्या कहा है, उन्होंने हंसकर कहा। फिर उन्होंने पूरा वाकया बयान किया। मैदान जंग में हम पहुंचे तो ठंडक शुरू हो चुकी थी। बाबा की उम्र का लिहाज करते हुए मैंने एक नया जैकेट उन्हें दिया। मेरे कमरे में एक पुराना जैकेट था जिस पर कई पैबंद लगे हुए थे। बाबा ने नए जैकेट को अपने बैग में रख लिया और उस पुराने जैकेट को पहन लिया और जब तक वहां रहे उसी को पहनते रहे। जब वो घर जाने लगे तो नए जैकेट को बैग से निकाल कर पहन लिया। बाबा कहाँ जा रहे हैं, मैंने पूछा। गांव जा रहा हूँ, मुझे छुट्टी मिल गई है, उन्होंने जवाब दिया। गांव जा रहे हैं तो पुराना जैकेट क्यों नहीं पहनते, मैंने कहा। वो मेरी बात की तह तक नहीं पहुंच सकी। मैंने साफ साफ कहा, ये नया जैकेट उतार कर पुराना वाला पहन लीजिए। लेकिन ये जैकेट तो मेरा है, उन्होंने इतराज किया। अगर आप कहें तो पहले दिन से ही इसे पहनना चाहिए था, मैंने कहा। आखिरकार मैंने उन्हें इस बात पर आमादा कर लिया कि वो बैतुल माल का ख्याल रखें और अपना अज्र ज़ाया ना करें और फिर मैंने जैकेट उतारने में उनकी मदद की। ऑपरेशन के बाद मासूमा सबको खैस। उनके वालिद को दिल का दौरा पड़ा। हम उन्हें गांव से मशहद लेकर आए, कई डॉक्टरों को दिखाया, सब एक ही बात कह रहे थे कि अब ठीक होने वाले नहीं हैं। और इशारतन वो ये भी कहते थे कि उनकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। उसी ज़माने में मैदानी जंग से अब्दुल हुसैन का फ़ोन आया। मैंने उनके वालिद की बीमारी के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने कहा, मैं उनके लिए दुआ करूँगा। क्या मतलब, आपको मशहद आना पड़ेगा, मैंने इतराज करते हुए कहा। मेरी क्या ज़रूरत है, तुम लोग खुद ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ, उन्होंने जवाब दिया। क्या ऐसा मुमकिन है कि अब तक हम उन्हें डॉक्टर के पास ना ले गए हों, मैंने गुस्से में कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लगता था वो समझ गए हैं कि कोई बात ज़रूर है। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। डॉक्टरों का कहना है कि वो अब ठीक होने वाले नहीं हैं, उस वक्त तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मुमकिन है, मैं कहना चाहती थी कि उनके मरने का इम्कान है, लेकिन मेरी आवाज़ बैठ गई और मैं कुछ नहीं कह सकती थी। कुछ देर वो खामोश रहे, फिर बहुत उदास लहजे में बोले, यहाँ के हालात कुछ इस तरह हैं कि मैं मशहद नहीं आ सकता, मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे खुदा ना खास्ता अब्बा जान दुनिया से रुख्सत ही क्यों ना हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने गुस्से में कहा। उस वक्त मैदान जंग में मौजूद रहना सबसे अहम है, इस वक्त मैदान जंग में मौजूद रहना सबसे अहम है, उन्होंने जवाब दिया। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे, मैंने पूछा। उनको दफन कर देना, उन्होंने बहुत उदास लहजे में आहिस्ता से कहा। कुछ दिन बाद वाकई यही हुआ, उनके वालिद दुनिया से रुख्सत हो गए, लेकिन हमने जनाजे को दफन नहीं किया। भाई बहन और सारे रिश्तेदार उनके आने का इंतजार करने लगे। मैमिक ऑपरेशन वीर बहमन 63 शमसी 9 फरवरी 1985 में हुआ, भी अभी अभी शुरू हुआ था। बड़ी मुश्किल से फ़ोन पर उनसे बात हुई। मैंने उनसे कहा, आपके अब्बा जान का इंतकाल हो गया है, हमने अभी जनाजे को दफन नहीं किया है। क्यों, सब आपके इंतज़ार में हैं। पिछली मरतबा जब तुमने फ़ोन किया था तो ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ था और अब तो शुरू हो चुका है और मैं किसी भी सूरत में नहीं आ सकता, ये कैसे मुमकिन है। 24 घंटे की छुट्टी ले लीजिए और दफन के बाद फ़ौरन वापस चले जाइए, उस वक्त मैदान जंग में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग जनाजा खुद ही दफन कर दीजिए। अब्दुल हुसैन 40वें के मौके पर आए, हमने मशहद में भी मजलिस की और गाँव में भी। गाँव की मस्जिद में वो खुद मिंबर पर गए, मैं सोच रही थी कि वो क्या कहने वाले हैं। उन्होंने कहा, अगर किसी को अब्बाजान मरहूम से कोई शिकायत है
या कोई कर्ज है तो उसी वक्त मुझे बता दें।